हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चाय गोसु। सो बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए आया हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत शानदार वीडियो। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हैकर्स किसी भी कैमरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हैक कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो वीडियो में देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। भाई बोलते तुझे, भाई बोलते मुझे, भाई बोलते मुझे, लल्ला समझ रे लगाई को बे, जाके देख रे कॉर्न में मैं काई तोंडे, जो भी देखा मैंने भर डाला। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना VM ओपन कर लेता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना VM ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जो काली का वर्चुअल बॉक्स है, सो ये एक OVA है। सो मैं OVA को ऑन कर लेता हूँ। सो स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है मेरा VM। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट टर्मिनल ओपन कर लें और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और सिंपल अगर मैं PWD करूँ तो ये होम काली पे हूँ मैं। तो पहले मैं sudo pwd करता हूँ। और हम चल जाते हैं cd डाउनलोड्स के अंदर। और इसके अंदर देखिए कोई फाइल्स नहीं है। अब हमें जाना है अपने ब्राउजर पे और यहाँ आपको लिखना है GitHub Camsys। सो आप देख सकते हैं यहाँ ये जो पहला लिंक है, पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है और ये जो कोड है, कोड पे आप क्लिक करें एंड ये कॉपी कर लें आप यहाँ से। अब अपने टर्मिनल पे आ जाएं वापस एंड टर्मिनल पे जाके लिखें git clone और पेस्ट कर दें और एंटर हिट कर दें। सो अगर मैं आपको दिखाऊं डाउनलोड्स के अंदर, तो अभी कैम्फिस का डायरेक्टरी आ चुका है हमारे पास। अब हम चलते हैं कैम्फिस के अंदर। अब यहाँ अगर ls करता हूँ तो यहाँ पे कैम्फिस.sh फाइल है। सो इसको अगर हम देखें तो ये इसको एग्जीक्यूटेबल का परमिशन नहीं दिया हुआ यहाँ पे। सो पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूशन का परमिशन देते हैं। सो chmod +x और camfish.sh। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मैं इसको परमिशन दे चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे camfish.sh है। सो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और जैसे एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ngrok और एक है servio.net। सो हम लोग ngrok को सिलेक्ट करते हैं 1 के साथ और एंटर हिट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास तीन टेम्पलेट आ गया और तीनों html फाइल है, फेस्टिवल विशिंग, लाइव यूट्यूब टीवी और एक है ऑनलाइन मीटिंग। सो जैसे फेस्टिवल विशिंग तो आप लोग देखे होंगे, जैसे कि कुछ भी इंडिपेंडेंस डे हो गया या होली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन का एक आता है विशिंग का, तो वैसे कुछ टेम्पलेट है। सो यूजर जैसे ही लिंक पे क्लिक करता है एंड वहाँ पे कुछ भी डिटेल्स डालता है तो यहाँ पॉपअप मैसेज आता है कि आप कैमरा एक्सेस करें। तो जैसे ही कैमरा एक्सेस के लिए अलाउ कर देते हैं तो ये क्या होता है, आपका कैमरा एक्सेस होता है और ये हैकर आराम से हैक कर सकते हैं। तो देखिए मैं टेम्पलेट 1 के साथ चलता हूँ अभी और यहाँ फेस्टिवल है। सो अभी के लिए मैं दे देता हूँ दिवाली एंड यहाँ देखिए ये आप का ngrok auth टोकन आ रहा है यहाँ। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो एन प्रेस करें और एंटर हिट कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये PHP सर्वर को स्टार्ट कर रहा है। तो ये स्टार्ट कर लें। ये स्टार्ट करने के बाद एक URL आएगा। सो URL मैं अपने फ़ोन पे सेंड करूँगा और अपने फ़ोन पे सेंड करके आपको दिखाऊँगा कि कैसे ये काम करता है। सो यहाँ पे ये URL जनरेट हो चुका है। सो मैं यहाँ से ये URL कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल मैं इसे अपने फ़ोन पे सेंड करता हूँ। सो मैं अपने फ़ोन पे सेंड कर चुका हूँ। जैसे मैं अपने फ़ोन पे ओपन करता हूँ ये, सो यहाँ पे देखिए पहले तो मेरा फ़ोन का IP ये ट्रेस कर लेगा। देखिए ये आ रहा है कैम फाइल रिसीव, मतलब ये पिक क्लिक करते जा रहा है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे दिया है
कंट्रोल सी टू एग्जिट। सो ये चार फाइल आ चुकी है हमारे पास, पांच आ गई। चले मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं एलएल करूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ फाइल्स आ चुके हैं और टाइम आप देख लें 11:40 का ही। सो अगर आपको ये देखना है तो मैं आपको चलता हूँ यहाँ से, ले चलता हूँ विंडोज से होम पे गए हम लोग, डाउनलोड कैंपस एंड यहाँ आप लोग देख लें ये रहा कुछ इमेज जो कि ये क्लिक किया था। देखिए बढ़ते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक बढ़ते जा रही है, क्लिक करते जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं अपने फ़ोन से उस पेज को एडिट कर लेता हूँ तो ये आई थिंक अब नहीं होगा। और देखिए जैसे ही मैं एग्जिट कर लिया ये स्टॉप हो गया। सो फ्रेंड्स अगर आपको बचना है ऐसे कोई सा भी ट्रिक से तो सिंपल कोई भी अननोन लिंक का है तो आप लिंक पर क्लिक ना करें एंड कैमरा को एक्सेस ना करें जब तक आपको बिलीव नहीं होता। सो अगर आपको कभी भी ऐसा आया तो आप डायरेक्ट इग्नोर करें एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।